नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। स्नातक परीक्षा की तिथि की हुई घोषणा, शिक्षकों की छुट्टियां हो सकती हैं रद्द। भागलपुर के जरदालू आम की ऑनलाइन मार्केटिंग का बढ़ा दायरा। बिहार के इन जिलों में तेज बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा से अब टोल टैक्स लगेगा अधिक। बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में संजू सैमसन के साथ ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्नातक परीक्षा की तिथि की हुई घोषणा, शिक्षकों की छुट्टियां हो सकती हैं रद्द। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2023-27 के और पीजी सत्र 2022-24 की दूसरी सेमेस्टर की परीक्षा जून माह में ली जाएगी। वीवी ने दोनों परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। जून माह में परीक्षा के आयोजन का प्रोग्राम जारी होने के बाद जून में शिक्षकों को मिलने वाली गर्मी की छुट्टी रद्द की जा सकती है। वीवी द्वारा शैक्षणिक सत्र नियमित करने का हवाला देते हुए छुट्टी रद्द करने की अधिसूचना 1-2 दिन में जारी किए जा सकते हैं। बता दें कि स्नातक सत्र 2023-27 के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा 13 जून से 21 जून तक चलेगी। वहीं मालूम हो कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए परीक्षा फॉर्म भरा लिया गया है और करीब 80,000 परीक्षार्थी ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं। सैद्धांतिक परीक्षा के प्रोग्राम के साथ प्रायोगिक परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी गई है। संबंधित कॉलेजों की प्रायोगिक परीक्षा 24 जून से 3 जुलाई तक आयोजित की गई है। भागलपुर के जरदालू आम की ऑनलाइन मार्केटिंग का बढ़ा दायरा। भागलपुर के जरदालू आम की ऑनलाइन मार्केटिंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। कुछ नई ऑनलाइन साइट्स पर जरदालू आम की उपलब्धता हो रही है, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। इसके माध्यम से सुल्तानगंज, कहलगांव, पीरपैंती के कई आम उत्पादकों और किसानों को आम का ऑर्डर मिल रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में इस बार डिलीवरी के लिए करीब 1.5 टन आम की बुकिंग हुई है। आम की मार्केटिंग के लिए इस विधि के उपयोग से किसान काफी खुश हैं। बिहार के इन जिलों में तेज बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार के साथ साथ अभी पूरा देश उमस भरी गर्मियों के चपेट में है। वहीं इस बीच आज बिहार के 14 जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन उसके बावजूद कुछ जिलों में लू की संभावना भी बनी हुई है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक आनंद शंकर ने लोकल 18 से बातचीत में बताया है कि आने वाले 2 दिनों में पूरे बिहार में बारिश जैसी स्थिति बन सकती है। साथ ही जून के पहले सप्ताह में तापमान में कंट्रोल होने के भी आसार हैं। बता दें कि आज 2 जून को सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बारिश के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा से अब टोल टैक्स लगेगा अधिक। रविवार की आधी रात यानी 3 जून शुरू होते ही राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 30 पर दीदारगंज के समीप पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा से टोल टैक्स ज्यादा देना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई दर पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। अब बढ़े हुए दर से ही वाहनों में लगे फास्टैग कटौती की जाएगी। टोल प्लाजा के महाप्रबंधक बीएन चौधरी द्वारा यह जानकारी दी गई है। इन्होंने बताया कि टोल टैक्स में बढ़ोतरी 2.5 से 3% यानी 5 से 30 रुपए तक की हुई है। पीएम श्री योजना के तहत सीवान के 82 स्कूलों का होगा काया पलट। बिहार के सीवान जिले के सरकारी स्कूल भी अब केंद्रीय विद्यालयों की तरह ही हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे। पीएम श्री योजना के तहत सीवान जिले के 82 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। अब इन स्कूलों में अत्याधुनिक और हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि ये स्कूल भी अब केंद्रीय विद्यालयों की ही तरह स्टूडेंट्स को बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकेंगे और विद्यार्थी बेहतरीन संसाधनों और सुविधाओं की बदौलत पढ़ाई में प्रोग्रेस कर सकेंगे। जमुई प्रशासन ने मतगणना के लिए पूरी की तैयारी। मतगणना के लिए जमुई प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मतगणना केंद्र केकेएम कॉलेज जमुई के आसपास अप्रत्याशित भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए वाहनों का रूट चार्ज निर्धारित किया गया है और मतगणना के दिन सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक के लिए कई रास्तों पर वाहनों की एंट्री बंद की गई है। एसपी डॉक्टर सौर्य सुमन के अनुसार मतगणना के दिन नगर थाना क्षेत्र के खरगौर जमुई सिकंदरा रोड, हांडडीह जमुई लखीसराय रोड, मलाईपुर थाना क्षेत्र के कटौना बाईपास जमुई झाझा रोड, बलवाडीह मोड़ बिजली पावर ग्रिड व खैरा थाना क्षेत्र के सिंगारपुर खैर पेट्रोल पंप के समीप भारी वाहनों के चलने पर
रोक रहेगी। वहीं केकेएम कॉलेज के सामने चालन प्रशिक्षण केंद्र मैदान में प्रशासनिक वाहनों के ठहराव किया जाएगा। कैमूर में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान, 15 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैमूर जिले के सासाराम लोकसभा सीट पर 1 जून को अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस बीच 2 जगहों पर हल्की झड़प की खबर भी देखने को मिली, इसमें 3 पुलिसकर्मियों को हल्की चोट भी आई है। मामले में तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने तुरंत 15 लोगों को हिरासत में ले लिया। बता दें कि इस बार नक्सल प्रभावित अधौड़ा क्षेत्र के 26 बूथों को शिफ्ट नहीं किया गया था और उन्हीं मतदान केंद्रों पर ग्रामीणों से वोट डालने की अपील की गई थी। 1 बूथ पर लोगों द्वारा बहिष्कार किया गया, मगर बाकी 25 बूथों पर सख्त प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरा हुआ। बिहार के समस्तीपुर में 14 साल के बच्चे की सूझबूझ से टला ट्रेन हादसा। शनिवार की सुबह बिहार के समस्तीपुर से समस्तीपुर मुजफ्फर रेलखंड पर हावड़ा से काठ गोदाम जा रही बाघ एक्सप्रेस एक बच्चे की सूझबूझ की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। एक किशोर ने रेल की पटरी को टूटा हुआ देखा तो अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए गमछा हिलाकर ट्रेन को रुकवाया और रेल को हादसे के चपेट में आने से बचाया। समस्तीपुर स्टेशन से आगे भोला टॉकीज गुमटी से आगे अपलाइन पर रेल की पटरी टूटी हुई थी। शनिवार की सुबह जब बाघ एक्सप्रेस वहां पहुंची तभी वहां से न्यू कॉलोनी निवासी मोहम्मद शकील का 14 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शाहबाज गुजर रहा था, जिसकी नजर टूटी हुई रेल की पटरी पर गई और उसने देखा कि उसी वक्त स्टेशन की तरफ से एक ट्रेन भी आ रही है। उसने अपने गले में लपेटा रंगीन गमछा हिलाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर ट्रेन के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और बड़ा हादसा होने से टल गया। तमाम एग्जिट पोल के बीच तेजस्वी ने जारी किया जनता का एग्जिट पोल। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है तो वहीं चुनाव का रिजल्ट 4 जून को घोषित किया जाएगा। इससे पहले देश के तमाम न्यूज चैनल्स और एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिखाया जा रहा है और एक बार फिर से मोदी सरकार के बनने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपना एग्जिट पोल बताया है, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन के 295 सीटें जीतने का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लिखा कि जीत रहा है इंडिया, जीत रही है जनता, जनता का एग्जिट पोल 295+। आपको बता दें कि देश के तमाम न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल में एनडीए को 340 से 380 तक सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है और एनडीए सरकार की जोरदार वापसी का दावा किया जा रहा है। सीएम नीतीश पहुंचे राजधानी दिल्ली, चुनाव के नतीजे आने से पहले बेहद अहम दौरा। लोकसभा चुनाव के संपन्न होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम सुबह करीब 11 बजे सीएम आवास से हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए, जबकि वो दोपहर में दिल्ली पहुंचे। बता दें कि सीएम नीतीश का दौरा निजी कारणों की वजह से बताया जा रहा है। हालांकि राजधानी दिल्ली पहुंचकर सीएम नीतीश एनडीए के कई नेताओं से मिल सकते हैं। जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश सोमवार को दिल्ली से वापस लौटेंगे। पप्पू यादव को मतदान से जुड़े मामले में कोर्ट से मिली बड़ी राहत। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूर्णिया में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान वाहन से प्रचार सामग्री और नकदी वसूली के मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव और अन्य पर कोढ़ा थाने में केस दर्ज किया गया था। शनिवार को इस मामले में पप्पू यादव सहित अन्य 3 लोग को न्यायालय में पेश हुए थे, जहां पप्पू यादव को कोर्ट से जमानत मिल गई। अदालत के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश समरेंद्र गांधी ने पप्पू यादव सहित अन्य को 10,000 के 2 मुचलकों पर जमानत देने का आदेश दिया था। बता दें कि विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने पप्पू यादव के 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। राम कृपाल यादव पर फायरिंग मामले में इन लोगों पर दर्ज हुई FIR। बीते शनिवार की शाम पोलिंग बूथ के पास मतदान के दौरान पाटलिपुत्र से भाजपा सांसद रामकृपाल यादव पर फायरिंग की खबर सामने आई थी। अब इस घटना के बाद रामकृपाल यादव ने इस घटना को अंजाम देने का आरोप राजद प्रमुख लालू यादव और उनकी बेटी मीसा भारती पर लगाया है। आपको बता दें कि इस मामले में फरार चल रहे एक नामजद आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस इस मामले में फिलहाल आगे की कार्यवाही कर रही है। अब तक फायरिंग मामले में अखिलेश यादव, बिट्टू यादव, सूरज यादव, गौतम यादव और विकास यादव पर FIR दर्ज की जा चुकी है। नीतीश कुमार के वोट टूटने वाली बात पर मंत्री अशोक चौधरी का रिएक्शन। चुनाव खत्म होते ही कई न्यूज चैनल्स अपने एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। अब इस एग्जिट पोल पर नीतीश कुमार के करीबी और जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी का बयान सामने आया है।
अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार में सीटें कम नहीं होंगी, एक दो सीट के लिए मैं नहीं कह सकता। जदयू की सीटें कम नहीं हो रही है। एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि नीतीश का वोट बैंक टूटा है। उन्हें बता दूं कि नीतीश जी का वोट बैंक इंटैक्ट है। नीतीश जी को महादलित अति पिछड़ा बीजेपी का स्वर्ण वोट मिला है। राजद को लग रहा है कि 15-20 सीटें जीतेगी, इसलिए एग्जिट पोल को नकार रही है। बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में संजू सैमसन के साथ ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा। शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र प्रैक्टिस मैच के दौरान कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग में न उतरकर संजू सैमसन के साथ ओपनिंग के लिए उतरे, जिससे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की रणनीति क्या होगी इसका भी संकेत दे दिया है। अगर टीम रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग जोड़ी के साथ उतरना चाहती तो इस टीम में भी ऐसा ही होता, मगर विराट कोहली के देर से पहुंचने के कारण और प्रैक्टिस मैच नहीं खेलने की वजह से रोहित संजू के साथ ओपनिंग करने उतरे, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप में रोहित विराट की ओपनिंग जोड़ी को उतारा जा सकता है। जाने बिहार में क्या है पेट्रोल और डीजल का रेट। आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल का दाम जारी किया जा चुका है। आज बिहार में पेट्रोल 107.17 रुपए और डीजल 93.89 रुपए है। वहीं पटना में पेट्रोल 105.18 रुपए तो डीजल 92.04 रुपए है। गया में पेट्रोल की कीमत 105.88 रुपए तो डीजल 92.70 रुपए है। दरभंगा में पेट्रोल 105.99 रुपए तो डीजल 92.78 रुपए है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 105.90 रुपए तो डीजल 92.70 रुपए है। भागलपुर में पेट्रोल 106.58 और डीजल 93.33 रुपए है। किशनगंज में पेट्रोल 107.30 रुपए तो पेट्रोल तो डीजल 94 रुपए है। मधुबनी में पेट्रोल 106.79 रुपए तो डीजल 93.53 रुपए है। समस्तीपुर में पेट्रोल का कीमत 105.54 रुपए है तो डीजल 92.36 रुपए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नौशाद रजा, नवल किशोर झा, उमेश ऋषि यादव, शाहनवाज आलम, राज ठाकुर, अनवर करीम खान, शशि कुमार, नीतू कुमारी, देवंती कुमारी, संजीव कुमार, सरवन कुमार, दीपक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको इस बार के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।